जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस पॉइंट ये आर्मी अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 के बारे में। आप लोगों को बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती को लेकर एक बड़ा नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। क्या नोटिफिकेशन है ये पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए और जिसने भी एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है जहाँ अभी वो फिल करने चाहते हैं, क्योंकि इसी वेबसाइट पर आप लोगों के एडमिट कार्ड आएंगे, इसी वेबसाइट पर आप लोगों के रनिंग की डेट आएगी, इसी वेबसाइट पर आप लोगों के एडमिट कार्ड रिटर्न एग्ज़ाम के रिलेटेड आएगी और एग्ज़ाम की डेट भी इसी वेबसाइट पर अनाउंस की जाएगी। इसलिए वेबसाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले डिफेंस से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी पाने के लिए। ये नोटिफिकेशन चलती है वेबसाइट पर और 12 को नहीं, फिलहाल आपको बता दें कि 10 को एक नोटिफिकेशन आया खास। ये नोटिफिकेशन है आपका, देख सकते हैं, एसएससी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एस्पायरिंग कैंडिडेट ऑफ कांस्टेबल जीडी एंड आईएसएफ राइफल मैन असम राइफल। जैसे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमेशा ऑफिशियल जानकारी ही देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे तो यहाँ पर एसएससी ने साफ साफ बोला है कि जो एसएससी जीडी का फॉर्म है वो आप लोग 31/8 से पहले फिल कर लें, क्योंकि बाद में हमने डेट नहीं एक्सटेंड करनी है, यानी कि डेट बढ़ानी नहीं आपके फॉर्म फिल करने की। आपको बता दें कि पिछली बार ऐसा हुआ था कि एसएससी जीडी के फॉर्म के लास्ट डेट होने के बावजूद फिर भी 15 दिन जब 20 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे। इसके चलते एसएससी ने इस बार क्लेरिफाई कर दिया है कि आप लोगों को एक्सटेंड नहीं की जाएगी। इसका मतलब है कि एसएससी बोर्ड जल्द ही इसका रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। रिटर्न एग्ज़ाम की बात करें तो लगभग दिसंबर के आसपास जो एग्ज़ाम होने वाला है, नवंबर या दिसंबर में जो एग्ज़ाम मैक्सिमम चांस है कि आपका कंडक्ट हो जाएगा। इससे कोशिश करें आप लोग सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास सिंपल 10वीं पास और हाइट आपको बता दें कि अलग अलग रखी गई है। इसका रनिंग जो है वो 5 किलोमीटर लड़कों का, 1600 मीटर लड़कियों की रनिंग होने वाली है। सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर एग्ज़ाम रिटर्न होगा, कंप्यूटर पर बैठकर आपका रिटर्न होगा और उसके बाद आप लोगों की आंसर की भी जारी की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि इस बार आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इसके नेगेटिव मार्किंग चलते आप लोगों का कट ऑफ है जो डाउन ही जाने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज जाता है, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग राज्य का अपना अपना कट ऑफ जाता है। सबसे कम मेरिट की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की जाती है। उसके बाद आप लोगों की एसटी की कम जाती है, उसके बाद आप लोगों की एससी की, और उसके बाद ही आप लोगों की जनरल की कट ऑफ जाती है। लड़कियों की मेरिट अलग से जाती है और लड़कों की मेरिट इसमें अलग से जाती है। इस बार वैकेंसी आप लोगों की 25,000 के आसपास रखी है। अगर आने वाले समय में कुछ वैकेंसी बढ़ती है तो उसका नोटिस भी इसी वेबसाइट पर आएगा। एडमिट कार्ड को लेकर नोटिस भी इसी वेबसाइट पर आना है। एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी, इसी वेबसाइट पर आएगी। इसलिए हम लगातार वेबसाइट के टच में हैं और आप लोग कोशिश करें इस फॉर्म को फिल करने की। 10 का ही ये नोटिस था, आप लोगों से शेयर किया है। हमेशा ऑफिशियल जानकारी के लिए आप लोग चैनल पर बने रहें। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में जॉब काफ़ी टफ है, इसलिए कोशिश करें आप लोग पढ़ने की। इंडियन आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज या कोई भी छोटा मोटा फॉर्म लगता है उसको अप्लाई करें, ट्राई करें। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उसी का ही आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेगा। कोशिश करें अगर आप 18 से लेकर 28 साल के बीच में उम्र है तो कोशिश करते रहें वर्ल्ड फोर्स को लेकर, क्योंकि कभी ना कभी जॉब आप लोगों को मिलेगी अगर आप लोग कोशिश करोगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अपनी बेसिक नॉलेज इंप्रूव करने की कोशिश करें हमेशा। और जैसे कोई अपडेट जहाँ स्टेट वाइज वैकेंसी भी अनाउंस की जाएगी, इसमें जब भी आएगी ज़रूर आपको अपडेट्स करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने फॉर्म फिल किया है अभी या नहीं, और डेली आप लोग फोकस करें अपनी स्टडी पर, जिसमें आपको लोगों को रिटर्न एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 सेक्शनें आनी हैं, बुक आप लोग ले सकते हैं। हरिहंत की बुक बेस्ट बुक है, उसमें आप लोगों को पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि इसमें 25 नंबर मैथ के, 25 नंबर रीजनिंग के, 25 नंबर जनरल नॉलेज के और 25 नंबर हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, वो आप अपनी मर्जी से चूज़ करेंगे। कंप्यूटर पर ऑप्शन होता है आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश को चेंज करने का। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। दो